यदि साइन थीटा धन कॉस थीटा बराबर एक, तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा ऋण कॉस थीटा बराबर धन ऋण एक होता है। हल दिया है, दिया गया है, हमारे पास दिया गया है साइन थीटा धन कॉस थीटा बराबर एक। अब कहीं हम दोनों पक्षों में वर्गीकरण करेंगे यहाँ, तो हमें प्राप्त होगा साइन थीटा धन कॉस थीटा कोष्टक के बाहर इसकी घात दो बराबर एक का वर्ग करेंगे तो हमें एक प्राप्त होगा। अब हम यहाँ पे सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे, ए धन बी का वर्ग, ए हमारे पास है साइन थीटा धन बी के स्थान पर है कॉस थीटा। तो चूंकि हम जानते हैं कि ए धन बी का वर्ग होता है ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन दो ए बी, तो हम कॉस थीटा धन साइन थीटा, तो हम साइन थीटा धन कॉस थीटा की घात दो को लिख सकते हैं साइन की घात दो थीटा धन कॉस की घात दो थीटा धन दो साइन थीटा कॉस थीटा बीच में गुणा बराबर एक। अब चूंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा धन कॉस थीटा का मान एक होता है, तो इसके स्थान पर हमने एक लिखा धन दो साइन थीटा धन कॉस थीटा बराबर एक। चूंकि हमने सर्वसमीका का प्रयोग हमने सूत्र का प्रयोग किया साइन की घात दो थीटा धन कॉस की घात दो थीटा बराबर एक, या अब हम एक का पक्षांतर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा एक दो साइन थीटा गुणा कॉस थीटा बराबर एक ऋण एक, या साइन थीटा गुणा कॉस थीटा बराबर शून्य को शून्य और बटा दो, दो का पक्षांतर करेंगे तो शून्य बटा दो तो शून्य होगा। तो हमें प्राप्त हुआ साइन थीटा गुणा कॉस थीटा बराबर शून्य। इसे हम समीकरण एक मान लेते हैं। अब हम लेते हैं साइन थीटा कोष्टक में लेते हैं साइन थीटा ऋण कॉस थीटा कोष्टक के बाहर इसकी घात दो बराबर, हम जानते हैं कि साइन थीटा ऋण कॉस थीटा कोष्टक में की घात दो बराबर एक ऋण दो साइन थीटा गुणा कॉस थीटा, या हम इसे लिखेंगे साइन थीटा ऋण कॉस थीटा की घात दो बराबर एक ऋण दो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान जो है हमें शून्य प्राप्त हुआ है समीकरण एक से, तो गुणा साइन थीटा गुणा कॉस थीटा के स्थान पे हम शून्य लिखे समीकरण एक से। समीकरण एक से हमें प्राप्त हुआ, या इसका मान हो जाएगा साइन थीटा ऋण कॉस थीटा कोष्टक के ऊपर की घात दो बराबर एक ऋण दो को शून्य से गुणा करेंगे तो हमें शून्य प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पे
दाएं पक्ष में एक लिखेंगे। इस तरह से इसीलिए साइन थीटा ऋण कॉस थीटा बराबर वर्ग का पक्षांतर करेंगे हम यहाँ पे, तो वर्गमूल एक होगा जिसका मान धन ऋण एक होता है। तो हमें यही सिद्ध करना था कि साइन थीटा ऋण कॉस थीटा बराबर धन ऋण एक, यही सिद्ध करना था। इस तरह से यह इस उदाहरण का हल होगा।